हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं। हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बताऊंगा आपको एक सच्ची कहानी। टुडे आई विल टेल यू अ ट्रू स्टोरी जो तब घटी थी जब मैं बच्चा था, विच अकर्ड When I was a child, अकर OCCUR अकर means घटित होना, OCCUR अकर means घटित होना। I will tell you a story which occurred when I was a child। मैं 7th कक्षा में पढ़ा करता था। I used to study in 7th class। मेरे अगले घर में, मेरे नेक्स्ट हाउस में एक लड़की रहती थी जो 8th में पढ़ती थी और उसका नाम था नीरू। इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन there used to live a girl whose name was Neeru. In the house next to mine, M-I-N-E, mine, there used to live a girl whose name was Neeru. वह 8th कक्षा में पढ़ा करती थी। She used to study in 8th standard. She used to study in 8th standard. हम काफी अच्छे दोस्त थे। We were very good friends. नीरू बेहद strong लड़की थी। नीरू was very strong girl. वह बहुत बहादुर लड़की थी। She was very valiant. V-A-L-I-A-N-T. Valiant means बहादुर। She was very valiant. पूरी कॉलोनी में वह किसी भी लड़के को पीट सकती थी। She could have beaten any boy in the entire colony. सकती थी, could have के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आपको पता ही है, रूल आपको करा चुका हूं। She could have beaten any boy in the entire colony. और अक्सर वह बच्चों की पिटाई किया करती थी। And often she used to beat the children in the locality. Often means अक्सर, often. Often she used to beat the children in the locality. मेरी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था विजय। In my class there was a boy whose name was Vijay. In my class there was a boy whose name was Vijay. whose name whose name means jiska naam. In my class there was a boy whose name was Vijay. Vijay judo karate janta tha. Vijay knew judo karatas. Janta tha past indefinite tense. नौ की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, K-N-E-W, न्यू। विजय न्यू जूडो कराटास। क्लास में किसी भी बच्चे को वह पीट सकता था। He could have beaten any boy in the class. पूरी क्लास विजय से डरती थी। Entire class used to be afraid of विजय. Entire class used to be afraid of Vijay.
तो बी का मतलब बी क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो एफरेड है एफरेड वर्ब नहीं है, यूज टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एफरेड का मतलब है डरा हुआ और बी का मतलब है होना, तो पूरी क्लास उसे डरा करती थी का मतलब एफरेड हुआ करती थी, तो होने के लिए हमने यहाँ पे बी लगाया, तो एवरी क्लास यूज्ड टू एंटायर क्लास यूज्ड टू बी एफरेड ऑफ विजय। विजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, विजय वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, विजय वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड। एक दिन मैं स्कूल के लिए अपने घर से जा रहा था, वन डे आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल, वन डे आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल, जो ही मैं नीरू के घर के सामने से गुजरा, एज सून एज जो ही की इंग्लिश होती है एज सून एज आई पास्ड बाय नीरूज होम, पास बाय मीन्स गुजरना, बराबर से गुजरना, किसी के साइड से गुजरने को हम कहते हैं पास बाय, पी ए डबल एस पास बी वाई बाय, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ड बाय। सो एज सून एज, क्योंकि जो ही मैं नीरू के घर के सामने से गुजरा, तो गुजरना गुजरा तो पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म आएगी, एज सून एज आई पास्ड बाय नीरूज होम, वह अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी, शी वॉज स्टैंडिंग एट हर डोर, वह अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी, शी वॉज स्टैंडिंग एट हर डोर, उसने अचानक मेरे बालों को डिस्टर्ब कर दिया, सडनली अचानक सडनली सडन कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, सडनली शी डिस्टर्ब्ड माई हेयर, सडनली शी डिस्टर्ब्ड माई हेयर, मैं एकदम से बहुत गुस्सा हो गया, एट वंस आई बिकेम वेरी एंग्री, एट वंस आई बिकेम वेरी एंग्री, और मैं झटके से फट पड़ा, आई एब्रप्टेड, आई एब्रप्टेड, एब्रप्ट ए बी आर यू पी टी, एब्रप्ट ए बी आर यू पी टी, एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है जब आप झटके से कोई चीज कह देते हैं, जब आप एकदम से कोई चीज कह देते हैं तो उसको कहते हैं एब्रप्ट, तो मैंने झटके से उससे कहा आई एब्रप्टेड नीरूडी कुतिया मरेगी रात को 12 बजे, मैंने गुस्से में उसको कहा आई एब्रप्टेड नीरूडी यू बिच यू विल डाई एट 12 इन द नाइट, नीरू नीरूडी यू बिच यू विल डाई एट 12 इन द नाइट। तुरंत ही उसने मेरी बहुत बुरी तरह से पिटाई की, इमीडिएटली शी बीट मी मर्सीलेसली, मर्सीलेसली, मर्सीलेसली का मतलब है निर्दयता पूर्वक बहुत बुरी तरीके से, मर्सीलेसली एम ई आर सी आई एल ई डबल एस एल वाई, मर्सीलेसली एम ई आर सी आई एल ई डबल एस एल वाई, मर्सीलेसली। उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा, आफ्टर दैट आई रीच्ड स्कूल, रीच पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, आई रीच्ड स्कूल, रीच के बाद एट नहीं लगाना, बहुत सारे लोग हैं जो रीच के बाद एट लगाते हैं जो बिल्कुल गलत करते हैं, वो सारे लोग कहेंगे आई रीच्ड एट स्कूल, सो वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो देयर आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, मैं उदास बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग सैड, आई वॉज सिटिंग सैड, या मैं मुंह लटका के बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग विद अ सलन फेस, एस यू डबल एल ई एंड सलन, विद अ सलन फेस, विद अ सलन फेस का मतलब मैं मुंह लटका के बैठा हुआ था। विजय ने मुझसे पूछा, विजय आस्क्ड मी क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, उदास क्यों बैठे हो, व्हाई आर यू सिटिंग विद अ सलन फेस, व्हाई आर यू सिटिंग विद अ सलन फेस। मैंने कहा आई सेड कुछ खास नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेशल, देयर इज नथिंग स्पेशल। विजय ने कहा, विजय सेड तुम्हारे चेहरे से प्रदर्शित होता है, तुम्हारे चेहरे से झलकता है कि कुछ गलत है,
तो प्रदर्शित होना, झलकना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट, आर ई एफ एल ई सी टी, रिफ्लेक्ट, आर ई एफ एल ई सी टी, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रदर्शित होना, झलकना। योर फेस रिफ्लेक्ट्स, तुम्हारा चेहरा प्रदर्शित करता है, तुम्हारा चेहरा दिखाता है। योर फेस रिफ्लेक्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, पेहेंती है, योर फेस रिफ्लेक्ट्स दैट समथिंग इज रॉन्ग। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, आफ्टर ऑल आई कुड नॉट कंटेन माई सेल्फ, मुझसे रहा नहीं गया। तो कंटेन, सी ओ एन टी ए आई एन, कंटेन का मतलब काबू करना, किसी चीज पर काबू करना, कंटेन। आई कुड नॉट कंटेन माई सेल्फ, मैं खुद पे काबू ना रख सका, इसका मतलब आखिर में मुझसे रहा ना गया। आई कुड नॉट कंटेन माई सेल्फ, और मैंने सारी कहानी उसको बता दी, एंड आई टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी, आई टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी। वह हंसने लगा और बोला, शी बिगेन टू लाफ, ही बिगेन टू लाफ एंड सेड, क्या यार एक लड़की से पिट कर आ गया, वॉट इज दिस, यू हैव कम आफ्टर बींग बीटन बाई अ गर्ल, यू हैव कम आफ्टर बींग बीटन बाई अ गर्ल। अब देखिए मैंने कैसे बनाया, आफ्टर के बाद, खाकर पीकर सोकर उठकर देखकर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एम जी लगाते हैं, ये रूल मैं आपको करा चुका हूं। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर बींग लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं कहूंगा सचिन को पीट कर मैंने खाना खाया, रूल मैं आपको करा चुका हूं, सचिन को पीट कर मैंने खाना खाया, तो मैं कहूंगा आफ्टर बीटिंग सचिन, सचिन को पीट कर मैंने खाना खाया, बीटिंग सचिन आई एट फूड। लेकिन जब मैं कहूंगा पिट कर मैंने खाना खाया, तो फिर बींग के बाद थर्ड फॉर्म, बींग बीटन यानी पिटकर, आई एट फूड। तो क्या यार एक लड़की से पिटकर तुम आ गए हो, तो तुम आ गए हो, चुका है, चुके हैं, चुकी है, खाया है, पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। व्हाट इज दैट, यू हैव कम आफ्टर बीइंग बीटन बाय अ गर्ल, मैंने कहा, आई सेड, तुम जानते नहीं हो वो कितनी बहादुर है, यू डू नॉट नो, तुम जानते नहीं हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू डू नॉट नो How valiant she is. You do not know how valiant she is. उसने कहा, she said, he said, एक बार उसे मेरे सामने ले आओ, मैं उसे मजा चखा दूंगा। Once you bring her in front of me, उसे मेरे सामने ले आओ, once you bring her, या once you get her in front of me, I'll teach her a lesson. मैं उसे सबक सिखा दूंगा, मैं उसे मजा चखा दूंगा, I will teach her a lesson. मैंने कहा, all right, कल मैं उसे लेकर आऊंगा, tomorrow I will bring her. लेकिन मैंने सोचा, but I thought, अगर विजय उसे नहीं पीट सका, If Vijay could not beat her, तो नीरू मुझे इतना मारेगी कि मुझे पल्प में रिड्यूस कर देगी, मेरा कचूमर निकाल देगी। If Vijay could not beat her, नीरू will beat me to such an extent, का मतलब इस हद तक, extent, E-X-T-E-N-T, E-X-T-E-N-T, extent का मतलब हद, नीरू मुझे इस हद तक मारेगी, नीरू will beat me to such an extent कि वह मुझे मेरा कचूमर निकाल देगी, she will reduce me to pulp, P-U-L-P, pulp, pulp होता है जैसे आप आम को देखते हैं, जब आम को आप निचोड़ देते हैं तो जो पीला पीला सा एकदम आपके हाथ में निकल कर आएगा, उसको पल्प कहते हैं, P-U-L-P, पल्प। और रिड्यूस का मतलब कम करना, R-E-D-U-C-E, रिड्यूस। तो कोई बहुत बड़ी चीज है, जब आप उसको घटा के छोटा करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इसको रिड्यूस कर दिया। तो नीरू विल बीट मी टू सच एन एक्सटेंट दैट शी विल रिड्यूस मी टू पल्प। फिर मैंने एक चाल चली, देन आई प्लेड अ ट्रिक, चाल चलने को कहते हैं प्ले अ ट्रिक, देन आई प्लेड अ ट्रिक,
अगले दिन मैंने नीरू से कहा, नेक्स्ट डे आई सेड टू नीरू, मेरी क्लास में एक लड़का है जो मुझे बहुत, मेरी बहुत पिटाई करता है। इन माई क्लास देयर इज अ बॉय नेम्ड विजय हु बीट्स मी वेरी मच। इन माई क्लास देयर इज अ बॉय हुज नेम इज विजय हु बीट्स मी वेरी मच। हालांकि नीरू मेरी पिटाई करती रहती थी, नीरू यूज्ड टू बीट मी, लेकिन फिर भी, बट इवन देन, वह मेरी अच्छी दोस्त थी, शी वॉज माई गुड फ्रेंड। तो उसने कहा, शी सेड, मुझे बता कौन लड़का है, टेल मी हु इज द बॉय, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मैं और नीरू पार्क में पहुंचे, आई एंड नीरू रीच्ड द पार्क। वहां पर विजय पहले से ही मौजूद था, विजय वॉज ऑलरेडी देयर। एंड आई सेड टू नीरू, और मैंने नीरू से कहा कि ये है विजय, आई सेड टू नीरू दैट ही इज विजय। और फिर 2 सेकंड के अंदर जो मैंने देखा वह यह था, देन विद इन 2 सेकंड्स व्हाट आई सो इज दैट, जो मैंने देखा वह यह है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, जो मैंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट, जो मैंने देखा, व्हाट आई सो वह यह है, इज दैट, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आई सो इज दैट, जो मैंने देखा वह यह है। What I saw is that विजय जमीन पर लेटा हुआ था, विजय was lying on the ground, lying means पड़ा हुआ, लेटा हुआ, lying, L-Y-I-N-G, lying, विजय was lying on the ground, और नीरू उसको लाते मार रही थी, and नीरू was kicking him. Kick means लात मारना, K-I-C-K, kick. Neeru was kicking him. और वह चिल्ला रहा था, and Vijay was crying. तभी मैंने नीरू को पीछे से पकड़ दिया। Just then I caught Neeru, पकड़ना catch, C-A-T-C-H, catch, और second or third form, I caught Neeru from behind. मैंने नीरू को पीछे से पकड़ लिया और मैं चिल्लाया, and I shouted, छोड़ दो उसे, just leave him. नीरू चिल्ला रही थी, नीरू was shouting, आज इसे सबक सिखा दूंगी, today I will teach him a lesson. और मैं जोर से चिल्लाया, भाग विजय भाग, एंड आई शाउटेड, शाउट मींस चिल्लाना, लाउडली मींस जोर से, L-O-U-D-L-Y, लाउडली, एंड आई शाउटेड लाउडली, विजय रन, और विजय पलक झपकते ही वहां से भाग गया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, विजय फ्लेड फ्रॉम देयर। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, चंपत हो जाना, F-L-E-E, फ्ली, और फ्ली की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लड, F-L-E-D, फ्लड, फ्ली, फ्लड, विजय वहां से चंपत हो गया, विजय फ्लड फ्रॉम देयर। अगले दिन मैं स्कूल में पहुंचा, तो मैंने विजय से कहा, नेक्स्ट डे व्हेन आई रीच्ड स्कूल, अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, नेक्स्ट डे व्हेन आई रीच्ड स्कूल, मैंने विजय से कहा, I said to Vijay, क्या हुआ, तुम तो बहुत डींगे हाँक रहे थे, What happened? You were boasting, brag, B-R-A-G, का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, brag, B-R-A-G, और second, brag, तो मैंने कहा क्या हुआ, what happened, तुम तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे, तुम तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे, यू वर ब्रैगिंग
तो विजय ने कहा, देन विजय सेड, तुमने कहा था कि एक लड़की तुम्हारी पिटाई करती है. यू हैड सेड, तुमने कहा था, यू हैड सेड कि दैट एक लड़की तुम्हारी पिटाई करती है, दैट अ गर्ल बीट्स यू, एक लड़की तुम्हारी पिटाई करती है, अ गर्ल बीट्स यू. अगर लड़की होती तो मैं उसकी पिटाई कर देता. इफ शी हैड बीन अ गर्ल आई वुड हैव बीटन हर. अगर वह लड़की होती तो होने को कहते हैं बी और बी की थर्ड फॉर्म बिन. अगर वह लड़की होती, इफ शी हैड बीन अ गर्ल, मैं उसकी पिटाई कर देता. आई वुड हैव बीटन हर, आई वुड हैव बीटन हर. लेकिन वह लड़की नहीं थी, वह तो चुड़ैल थी. बट शी वॉज नॉट अ गर्ल, शी वॉज अ डैमन. डैमन. She was not a girl, she was a demon. मैं चुड़ैल की पिटाई कैसे कर सकता था? How could I have beaten a demon? How could I have beaten a demon? So this was a story. यह एक कहानी थी. This was a real story. It was a real story. Next class में आऊँगा फिर कुछ इस तरीके से, कोई स्टोरी लेकर, कोई कॉन्वर्सेशन लेकर. खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें. आपका अपना एडवोकेट सुनील कुमार.